बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना इंग्लिश लर्निंग का लेसन नंबर 15 यानी कि 15वां सबक पढ़ेंगे। और लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे नाउन के मुतालिक, और नाउन के हमने टाइप्स को कवर कर लिया था वन बाय वन, डिटेल से हमने पढ़ा समझा और आपको हमने तारीफ़ें उनकी याद करवाईं। तो आज हम 15वें सबक में प्रोनाउन यानी कि ज़मीर की तारीफ़ और उसकी जो अकसाम है उन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एडवाइस करता चलूँ कि आप हमेशा जो पिछला आपका सबक हो, जब तक वो उस पर ग्रिप ना हो जाए, अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, एक दो दफ़ा राइटिंग की प्रैक्टिस ना हो जाए, तो अपने अगले लेसन की तरफ मूव ना करें। कोई जल्दी नहीं है, कोई हमें ये नहीं है कि जितना आप फास्ट होने की कोशिश करेंगे उतनी गलतियां आप करेंगे। लिहाजा बेहतर है कि जो सबक पढ़ा जाए उसको पहले दो तीन दफ़ा रिवाइज़ करें, राइटिंग में लेके आएँ, जब तक ग्रिप ना हो अगले लेसन को अपने मेमोरी का हिस्सा ना बनाने की कोशिश करें। तो प्रोनाउन है आज के सबक का हमारा आगाज़ जिससे कर रहे हैं। प्रोनाउन की तारीफ़ क्या होती है? जो अल्फाज नाउन की जगह इस्तेमाल होते हों, फ़र्ज़ के मैं कहता हूँ अली तुमने ये काम नहीं किया, अच्छा उसने ये काम इस वजह से नहीं किया क्योंकि वो कहीं गया हुआ था। तो अब मैंने अली का एक दफ़ा नाम लिया लेकिन मैंने उसको भी कहा, वो भी कहा, तो ये जो उस और वो हैं मैंने अली के नाम की जगह पे इस्तेमाल किए हैं। अगर मैं अली कहता उसका नाम हर दफ़ा बुलाऊं, अली तुमने सबक नहीं पढ़ा, अली तुमने खाना नहीं खाया, अली तुम बाज़ार नहीं गए, तो ये हर दफ़ा मैं नाउन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन को ना लेने के लिए हम उसकी तरफ जो इशारतन जो लफ्ज़ बोलते हैं तो उस वो तो उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। ये तो मैंने आपको उर्दू में समझाया। तो जो अल्फाज नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं उनको प्रोनाउन कहा जाता है। जैसा कि ये इनकी इंग्लिश में एग्जांपल है, ही वो लड़का, शी वो लड़की, इट जो गैर जानदार हो उसके लिए अक्सर ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। आगे चल के प्रोनाउन की 8 किस्में हैं वन बाई वन, आज हम सिर्फ उनके नाम याद रखने की कोशिश करेंगे और बाद में हम इनको वन बाई वन डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो प्रोनाउन आता है वो है पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि एक ख़ास शख्स को जो नॉमिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंटरोगेटिव, हु, वेयर, व्हेन, इस तरह के जो इस्तेमाल होते हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। रिलेटिव होते हैं हिज, हर, इस तरीके से जो होते हैं उनको ज़मीर मौसूला या रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, हाउ मैनी, हाउ मच, तो इस तरह के जो होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें इशारा किया जाता है, ये, वो, दिस, दैट, दीज, दोज, इस तरीके से। इसके अलावा इन्फिनिटिव, इन्फिनिट प्रोनाउन होते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं जिसमें जोर दिया जाता है। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ आप नाम इनको याद रखने की कोशिश करें। उर्दू में भी आप इनको देखें, याद रखना बहुत ज़रूरी नहीं है उर्दू में क्योंकि काफ़ी मुश्किल नाम है उर्दू में इनके, लेकिन आप इंग्लिश में इनको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें। जब एक एक को हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे तो आपको ये भी समझ आता जाएगा कि ये कौन से प्रोनाउन्स होते हैं, और हर एक के साथ हम एग्जांपल के साथ उनको क्लैरिफाई करेंगे। आज के लेसन में आपने इनके सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखने हैं, यानी कि 8 प्रोनाउन्स होते हैं, पर्सनल, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इन्फिनिट, एम्फैटिक, रेसिप्रोकल। तो आप इनका कोई एक्रोनिम भी यूज़ कर सकते हैं जिस तरीके से कि एक लफ्ज़ उनका बन जाए और हर एक से उसका नाम ज़ाहिर होता हो। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई इसके एक्रोनिम भी याद करवा दें जिससे आप इनकी 8 अकसाम को याद रखना आपके लिए आसान हो सके। तो एक्सरसाइज देखते हैं कि आपका काम क्या है, होमवर्क क्या है, प्रोनाउन किसे कहते हैं, आपने तारीफ इसकी याद रखनी है और इसकी कितनी अकसाम है, 8 अकसाम है। तो प्रोनाउन किस की किस्म है, तो ये किस जगह पर इस्तेमाल होता है प्रोनाउन, ये आपने बताना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हम
जी शुरू में हमने किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच को, तो हमने पढ़ा था कि आठ होते हैं, तो आपने आठ के फिर आगे से नाम लिखने हैं और प्रोनाउन के जो आठ नाम हैं वो भी याद करके तीन दफ़ा आपने लिखने हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो आपको होमवर्क दिया जाता है आप अपने एंड पे खुद करते रहेंगे, जितना आप उसकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है और उतनी ही आपकी ग्रिप बनती जाएगी। इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता अपने मंजिल की तरफ इस तरीके से चलते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इंग्लिश में कितने एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।